हम सब जानते हैं कि आज गीत चतुर्वेदी जी को हम लोग वातायन के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान से विभूषित करने जा रहे हैं। तो गीत चतुर्वेदी जी के एक विस्तृत परिचय के लिए मैं निमंत्रित करता हूं अनीता गोपालन जी को। अनीता गोपालन जी प्रसिद्ध लेखिका हैं, अनुवादक हैं, कलाकार हैं और आपको अंग्रेजी साहित्य के लिए वरिष्ठ फेलोशिप भी प्राप्त है। गीत चतुर्वेदी जी का उपन्यास सिम सिम के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा अनीता गोपालन जी अनेक पुरस्कारों से भी पुरस्कृत है और बहुत लंबा परिचय है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में सिर्फ सीधे सीधे अनीता जी को निमंत्रित करता हूँ कि अनीता जी आप आएं और गीत चतुर्वेदी जी के विषय में अपनी बात रखें। अनीता जी, आप अपने आपको अनम्यूट कर लें। जी हाँ, स्वागत है। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गीत के बारे में हिंदी में बोलूंगी। इतने वर्षों से मैं गीत की रचनाओं को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करती आई हूँ और आज मुझे उनके बारे में हिंदी में बोलना है। मैं गौरवान्वित हूँ। वातायन यूके कमिटी की आभारी हूँ कि उन्होंने इस शानदार कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी को और गीत चतुर्वेदी को इस सम्मान के लिए बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। मैंने गीत को व्यक्ति के रूप में पहले जाना, एक लेखक के रूप में बाद में। हम दोनों को संगीत ने जोड़ा था, तो जाहिर सी बात है कि उसी संगीत ने मुझे उनकी कविताओं तक पहुंचाया, क्योंकि उनकी कविताओं में भी वही संगीत है। धीरे धीरे मैं उन्हें अनुवाद करने लगी। एक चीज तो शुरुआत में ही बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि उनकी रचनाओं में फॉर्म के लेवल पर, कंटेंट के लेवल पर और शैली के हिसाब से हमेशा इनोवेशन दिखाई देता रहा। उनका जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ, तो मुंबई की भाषा और भूगोल ने उनके साहित्य को, उनकी कविताओं को एक खास किस्म की रंगत दी है। इसीलिए उनकी रचनाओं में एक कॉस्मोपॉलिटन अंदाज है। यही कारण है कि उनकी हिंदी कविताओं में मराठी, सिंधी, अंग्रेजी, मुंबईया, फारसी के इतने शब्द आते हैं। गीत हमेशा से ही एक्सपेरिमेंटल रहे हैं। उनके पहले कविता संग्रह आलाप में गिरह की कविताएं सीधे यथार्थवादी कविताएं हैं, तो दूसरे कविता संग्रह न्यूनतम मैं में हमने देखा कि उन्होंने प्रेम और दार्शनिक पीड़ाओं को अपनी कविता की मुख्य आवाज बना दिया और मेटा रियलिटी को अपना वाहन। तीसरी किताब खुशियों के गुप्तचर में एक बार फिर गीत ने अपनी शैली में बदलाव किया। उनकी कविता की भाषा पहले से ज्यादा सरल हो गई। इस किताब ने गीत की कविताओं को एक नए और विशाल पाठक वर्ग से जोड़ दिया। इसी तरह अब गद्य की बात करें तो एक तरफ उनकी लंबी कहानियों की दो किताबें पिंक स्लिप डैडी और सावंत आंटी की लड़कियां हैं, जिसे मैं शेमलेसली लिटररी कहती हूँ, तो दूसरी तरफ उनका उपन्यास उस पार है जो कि एक ऑनलाइन ऐप के पाठकों के लिए है, ज्यादा आधुनिक और गतिवान है। तो गीत तेजी के साथ खुद को विधा और माध्यम के अनुरूप ढाल लेते हैं। इनके साहित्य का विश्व साहित्य और विश्व सिनेमा के साथ खास रिश्ता है। उनका नॉन फिक्शन खास तौर पर उनके नॉन फिक्शन में खास तौर पर ये चीज जिसे हम इंटरटेक्सुअलिटी कहते हैं देखने को मिलती है। साथ ही बहुत प्यारे और नाजुक संस्मरण देखने को मिलते हैं, जैसे उनकी बिल्लियों पर। तो उनकी रचनाओं को पढ़ने का सुख दो स्तरों पर मिलता है। पहले स्तर पर उनकी सादगी है, कलात्मक गद्य है, गाढ़ी अनुभूतियां हैं, खुशबूदार भाषा है, तो दूसरे स्तर पर उनका सूक्ष्म चरित्र चित्रण है। मनुष्य के व्यवहार को पकड़ने के बेहद बारीक तरीके हैं। जैसे वे कहते हैं,
बचपन की मासूमियत बुढ़ापे के सन्निपात में लौट कर आती है, या फिर तुम्हें जाना हो तो उस तरह जाना जैसे गहरी नींद में देह से प्राण जाता है। इसीलिए मैं कहती हूं वे हृदय के इतिहासकार हैं और आत्मा के पुरातत्व वेता। एक छोटा सा किस्सा है, गीत और मैं कविता पर लंबी बात करते हैं तो कभी कभी बहस भी हो जाती है। तब गीत का मुंबईया टोन जाग जाता है और वो मुझसे कहते हैं अनीता भाई, और मैं भी पलट कर कहती हूँ गीत भाई। और हम अपने कामकाज को कहते हैं दो भाई की दुकान। जैसे उत्तर भारत के कई शहरों में दो भाई की दुकान प्रसिद्ध है, वैसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सारे साहित्यिक प्रयास यानी दो भाई की दुकान। बहुत बार गीत अपना पहला ड्राफ्ट मुझे भेज देते हैं पढ़ने को, पांडुलिपि भेज देते हैं पर कहते हैं देखो इसमें कुछ रह तो नहीं गया। ये सारी बातें कहने का आशय यह है कि उनके व्यक्तित्व में बेहद सादगी है, बहुत मेहनती है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, और फीडबैक या कहें तो रचनात्मक सुझावों को मान लेने की सहजता है। मान लीजिए कि आपने उनके लेखन से सब कुछ निकाल दिया, शब्द निकाल दिया, अर्थ निकाल दिया, विचार निकाल दिया, अनुभूतियां निकाल दी, तब क्या बचेगा? तब भी बचेगा संगीत, वह संगीत जो लंबे समय तक हमारे भीतर गूंजता रहता है। मैं अंत में उनकी बेहद खूबसूरत पंक्तियां कोट करना चाहती हूं। दुनिया बेसुरे संगीत से सम्मोहित है, दुनिया बेसुरे संगीत से सम्मोहित है, और तुम मेरी छुवन से बुना गया मौन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गीत को, गोयनका जी को और वातायन संस्थान को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, हमारा सौभाग्य कि आज आप हमारे वातायन मंच पर आई। और जब एक लेखक की प्रशंसा उसके साहित्य के विषय में कोई दूसरा लेखक कहता है, बात करता है, तो उसका सुख ही कुछ और होता है। इस सुख को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आइए हम सम्मान की ओर बढ़ते हैं।